चुरू के सरदार शहर में ग्राम पंचायत जय संगसर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि 1 मार्च को शुभकरण नाम का व्यक्ति राजीव गांधी सेवा केंद्र मनरेगा में आवेदन के लिए गया था, जहां उस वक्त वहां पर अन्य मनरेगा श्रमिक भी मौजूद थे। उनके सामने ही गाँव के सरपंच और अन्य लोगों ने उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भाई एक हमारे सरपंच है, वो बदमाशी करे और आज है बदमाश हम चल रहा है। जब वो कोई कोई गुआई लड़ाई लड़ी हुई लड़ने भी बात के मांझे कोई गुआई है एक सोरबीन पहले तो धमकायो कगवाई ना दे, फिर आईटी भवन में ओ कराण के आवेदन ने निरगा को इन आईटी भवन कुट्टो सगिड़ो 3 जना। मेरे ससेरा भाई शुभकरण सारण को गांव के सरपंच ने मारपीट की आईटीआई सेंटर में 1 तारीख को। वो मनरेगा के लिए आवेदन करने गया था, फिर सरपंच के साथ 4-5 लोग आए सरियों और पंच से हमला कर दिया, घायल कर दिया और फिर भाग गए सरकारी अस्पताल में और वापस फर्जी केस कर दिया। शुभकरण ने मेरे साथ मारपीट की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सरपंच के साथ। ज्ञापन अभी तो एसआई को दे रहे हैं, फिर डिप्टी को दे रहे हैं। एसटीएम ऑफिस